हीटर चल रहा है, फैन चल रहा है, कंप्रेसर वन चल रहा है, अंदर है देखो ये नहीं चल रहा। यहाँ सबसे पहले डिमांड देखेंगे, तो सी से जी चल रहा है, सी से जी को 24 है क्योंकि ग्लो चल रहा है, सी वाई वन कंप्रेसर वन चल रहा है 25.8 है, यहाँ ध्यान दो यही वाला 25.8 है, ठीक है। टू का कितना है सी वाई टू 24.4 है, यानी इसको डिमांड नहीं दिया, थर्मोस्टेट ने पावर नहीं दिया, पहचान क्या है इसका, पहचान इसका देखो वही है जो जी में है, सेम वोल्टेज आपको सब में मिलेगा। 225.8 वाई वन में कितना है 25.8 वाई वन में, अब वाई टू में 24.4, यानी सेम वोल्टेज चाहिए था, मतलब इसीलिए नहीं चल रहा। अब हम लोग कराने ये चलाने के लिए क्या करेंगे, उसको एक जंपर देंगे सेम वोल्टेज जो वाई वन में है वहाँ से ही वाई टू को टेस्टिंग के लिए, अब वो डिमांड नहीं दे रहा तो हो सकता है कि वो थर्मोस्टेट ठंडा हो, या ठंडा तो नहीं है गर्म है क्योंकि एसी बंद था। ओके आप देखिए अभी क्या किया, वाई वन से वाई टू को जंपर दे दिया, जो सेम वोल्टेज वाई वन में है वहाँ से उसको ये किया। और अभी आप अगर वोल्टेज चेक करेंगे कितना दिखाएगा आपको नीचे में, अभी पहले चालू करते हैं। हाँ बोलो बोलो तुम बोलो, चालू हो गया ये, चालू हो गया। हाँ क्यों चालू हुआ कि सेम वोल्टेज नहीं चाहिए आ रहा था। हाँ ओके पकड़ देखते हैं, आरसी में कितना वोल्टेज है, आरसी में जितना वोल्टेज है वही सीजी से सबको शो करना चाहिए। आरसी में है 25.7, यहाँ 25.8 दिखा रहा, सेम है वही वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज नहीं होगा चालू नहीं होगा। तब इसीलिए जी चल रहा है, वाई वन चल रहा है, वाई टू नहीं चल रहा है, तो वो डिमांड नहीं आ रहा है तो चेक करना पड़ेगा। लेकिन रूम ऑलरेडी गर्म था फिर भी नहीं आ रहा है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी डिमांड आ रहा है दोनों पक्ष से चालू।